Good morning, students. Now it's time to study for computer. So in computer, in last class we were looking in chapter 1, input, process and output devices, and in that we have seen parts of computer, in which we have seen keyboard and monitor. So to continue with parts of computer, now it's time to understand the processing unit, means CPU. As I told you that working of computer is a part of three main things. IPO means computer work on a cycle of IPO, and in that we have seen keyboard, which was input device, then we have seen monitor, which was output device, and now we are looking for CPU, which is processing device. ठीक है, तो हमने जो हमारा चैप्टर वन था जिसमें हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे, इन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा कि देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. उन फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में से हमने कीबोर्ड को कंप्लीट किया और मॉनिटर को कंप्लीट किया. और कीबोर्ड और जो मॉनिटर हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं. कीबोर्ड इनपुट और मॉनिटर आउटपुट. अब हमारी टर्न आती है आईपीओ में से पी मींस प्रोसेसिंग को देखने की. तो प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है वो है सीपीयू. अब सीपीयू में, सीपीयू इज़ नॉट एक्चुअली दैट कंप्लीट कैबिनेट, बट इट इज़ अ प्रोसेसर. एंड इन दैट सीपीयू वी कैन डिवाइड इन थ्री पार्ट्स. हम सीपीयू को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से दो पार्ट हैं जो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ ALU एंड CU. तो ALU जो स्टैंड करता है उसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. डिड यू लर्न? ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. और CU जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट. ये दोनों मेन पार्ट्स हैं. और जो CPU का थर्ड पार्ट है जो हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं वो है मेमोरी और स्टोरेज. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ALU को. सबसे फर्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे? ALU को. ALU जैसे इसके नाम से ही पता चलता है अर्थमेटिक लॉजिक. तो ये वो यूनिट है CPU की जो कि सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. मतलब जब हम डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो उस डेटा में से जो भी डेटा मैथमेटिक्स या लॉजिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है उस डेटा को प्रोसेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ALU की है. ठीक है, तो इसलिए अब अर्थमेटिक का मतलब है मैथमेटिकल और लॉजिकल का मीन्स है जहाँ पर लॉजिकल डेटा कन्फाइंड होता है, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, इस तरह का जब कैलकुलेशन होता है तो वो ALU में परफॉर्म होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर पर या हम कैलकुलेटर हमने ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें हमने कुछ नंबर्स दिए, जैसे हमने दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है ये कौन सा ऑपरेशन है? मैथमेटिकल ऑपरेशन. ठीक है, तो ये ऑपरेशन फिर कौन करेगा? इसकी प्रोसेसिंग ALU करेगा. तो इस तरह जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं या जो प्रोसेसिंग है वो कौन करता है? ALU. अंडरस्टूड? और इसके अलावा अब जो लॉजिकल की बात हम कर रहे थे, तो लॉजिकल में मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं दैट 13 इज लेस देन और ग्रेटर देन 15. तो हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं. तो जब कंपैरिजन की बात आती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या जहाँ पर भी हमारे जो आंसर हैं वो यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के आने वाले हैं, तो ऐसा कैलकुलेशन जो है वो लॉजिकल कैलकुलेशन होता है. क्लियर हुआ है सबको? जब हम कोई क्वांटिटीज़ में या किसी भी चीज़ में कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की चीज़ें जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं.
और ये लॉजिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? ALU. अभी क्लियर हुआ दोनों तरह के ऑपरेशन? अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, और लॉजिकल मीन्स कंपैरिजन वाले, लेस देन ग्रेटर देन से रिलेटेड. तो ये दोनों तरह के ऑपरेशन कौन करते हैं? ALU. ठीक है, अब ALU के बाद टर्न आती है CU की, कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट, जैसा इसके नाम में ही लिखा हुआ है कंट्रोल, तो इट मींस कि ये कंट्रोलिंग का काम करता है. तो ये किसको कंट्रोल करता है? एक्चुअली ये कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी तरह के फंक्शनिंग को और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. मींस इट इज़ लाइक अ ट्रैफिक पुलिस. ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि जब स्क्वायर्स पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है तो वो कोशिश करती है कि सारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चलता रहे. जिस डेटा को स्टॉप, जिस रूट को स्टॉप करना है वो उसको स्टॉप करती है, जिसकी टर्न है उसको या जिसकी प्रेफरेंस है उसको वो पहले जाने देती है, फिर एक रूट खाली होने के बाद दूसरे को अलाउ करती है ना ट्रैफिक पुलिस ऐसा. तो इसी तरह जो कंट्रोल यूनिट है ये भी हमारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है. किस फंक्शन का, किस डिवाइस का प्रायोरिटी पर काम होना है वो उसको अलाउ करती है, जिसका काम अभी पॉज करना है उसको होल्ड पर रखती है. तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर या जो इंटरनल वर्क है, वो जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रही है, उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? कंट्रोल यूनिट के. तो कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंटरनल प्रोसेसिंग. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया ये सभी को? तो इस तरह ALU और कंट्रोल यूनिट ये दो मेन पार्ट्स हैं CPU के. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है मेमोरी की और स्टोरेज की. तो जो स्टोरेज है मींस जो मेन मेमोरी है, ठीक है. अब मेन मेमोरी में क्या होता है, जब हम डेटा, कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, सब मान लीजिए हम टाइपिंग कर रहे हैं और आप ड्राइंग करते हो, है ना. तो हम जब ड्राइंग कर रहे हों या हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हों, हम जो भी चीज़ें कीबोर्ड या माउस से एंटर करते हैं, तो हमारे डेटा भी और हमारे इंस्ट्रक्शंस भी, ठीक है. इंस्ट्रक्शन मींस कमांड, जो भी हम टास्क कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें सबसे पहले कहाँ जाती हैं? वो जाती है मेन मेमोरी में. फिर मेन मेमोरी में डिसाइड होता है कि उसको किस पार्ट में भेजना है. अब मान लीजिए कि वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड उसमें टास्क होना है, तो ये मेन मेमोरी उस डेटा को कहाँ ट्रांसफ़र करती है? CPU में, मीन्स ALU में, ठीक है. अब वहाँ जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब जो आंसर आएगा वो अगेन रिटर्न आता है मेन मेमोरी में, और फिर मेन मेमोरी से ही आता है आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर पे, जहाँ हमको ये दिखाई देता है, ठीक है. तो ये जो मेमोरी का काम है, ये हमारे डेटा को स्टोर भी करती है प्लस हैंडल भी करती है. जैसे कि अगर हमने कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो पहले कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी. मेन मेमोरी से फिर वो जाता है प्रोसेसिंग के लिए. प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा वापस रिट्रीव होता है मेन मेमोरी में और फिर डिस्प्ले होता है मॉनिटर में. तो इस तरह मेन मेमोरी जो है वो कनेक्टिवली काम करती है दोनों डिवाइसेस के साथ में, इनपुट के साथ भी, आउटपुट के साथ भी और प्रोसेसिंग के साथ भी, ठीक है. तो CPU के ये तीन मेन पार्ट्स हैं. तो अभी ये बात सबको क्लियर हुई कि प्रोसेसिंग जो है आपकी IPO में से जो P पार्ट है प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है CPU, उस CPU में 3 मेन पार्ट्स हैं ALU, CU एंड मेमोरी. तो इन तीनों के फंक्शन आपको क्लियर हो गए, ठीक है. नाउ प्रोसेसिंग के बाद हम वापस से इनपुट पर ही जाते हैं, ठीक है. इनपुट में हम आ रहे हैं माउस पर. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने सबसे स्टार्ट में ये पढ़ा है दैट देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच हैल्प टू परफॉर्म IPO, ठीक है. 4 मेन पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU. ये 4 मेन पार्ट्स हैं. इनमें से कीबोर्ड और माउस, I मीन्स इनपुट है, मॉनिटर, O मीन्स आउटपुट है, और CPU मीन्स ये प्रोसेसिंग है.
तो हमने कीबोर्ड देख लिया है ना, फिर हमने प्रोसेसिंग देख ली और हमने मॉनिटर भी पढ़ लिया। हमारे पास अब एक ही डिवाइस रह गई जो हमने अभी नहीं देखी, दैट इज माउस। तो नाउ लेट्स डू दैट माउस। ओके, सो माउस इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस। आप सबने माउस को देखा है ना, तो जो माउस है वो हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे एरो जो होता है वो कनेक्टेड होता है। हम माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पर एरो भी मूव होता है, तो दैट्स वाई उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर पर पॉइंट करना है तो हम इस एरो का या माउस का यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। और हैंड हेल्ड तो आपको पता ही है, क्यों हैंड हेल्ड है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फिट ऑन आवर पाम। हम उसको पाम से पकड़ के हैंड से ईजीली हैंडल करते हैं, तो इसलिए ये हैंड हेल्ड डिवाइस है। अब माउस जो होते हैं, माउस ऐसे तो टेक्निकल माउस भी, मैकेनिकल माउस भी होते हैं और ऑप्टिकल माउस भी होते हैं, और अब वायरलेस माउस भी अवेलेबल है। ठीक है, थ्री तरह के माउस हो गए, थ्री पार्ट्स, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो हमने जो हमारे कंप्यूटर लैब में अवेलेबल है वो है ऑप्टिकल माउस। सारे ऑप्टिकल माउस में जो लेज़र लाइट होती है, जब हम माउस को मूव करते हैं तो वो लाइट जो है हमारे मूवमेंट को कॉपी करती है और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंटर को मूव करवाती है। ठीक है, माउस में मेजरली कितने बटन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टू बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और जो सेंटर में होता है वो स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील नेविगेट करने के लिए, मीन्स स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस है, और इन शॉर्ट आप क्या बोलोगे, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, वी ऑल्सो कॉल्ड इट हैंड हेल्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस, एरो इज कनेक्टेड टू इट, देन माउस इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड टू ड्रॉ पिक्चर्स लाइक दैट काइंड ऑफ वर्क। एंड अलॉन्ग विद इट जो माउस के फंक्शंस होते हैं, माउस के कितने मेन फंक्शंस हैं, फोर मेन फंक्शंस हैं। एक होता है क्लिक, जब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। सेकेंड है डबल क्लिक, जब हम लेफ्ट बटन को ही टू टाइम्स क्लिक करते हैं साइमल्टेनियसली, फास्ट, बिना गैप के, देन दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक। ओके, सिंगल क्लिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक उसको ओपन करने के लिए। जैसे आपको अगर व्हाट्सएप ओपन करना है तो आप क्या करते हो, फिंगर से टच करते हो, मीन्स सिंगल क्लिक। ठीक है, अगर यही काम आपको कंप्यूटर में स्क्रीन में आइकन को ओपन करने के लिए करना हो तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक मीन्स राइट बटन को सिंगल टाइम प्रेस करना। तो राइट क्लिक करने पर क्या होता है, शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आपने देखा है राइट साइड में थ्री डॉट्स होती हैं, अगर आप उस पर क्लिक करो तो एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू खुलता है। तो अगर सिस्टम में आप करेंगे तो ये जो शॉर्ट मेन्यूज़ होते हैं, है ना, ये जो शॉर्टकट मेन्यूज़ होते हैं ये राइट क्लिक से ओपन होते हैं। डन। नाउ फोर्थ जो ऑप्शन है वो है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग कैसे होती है वो आप सबको पता है, जब आप ड्राइंग करते हो तो आप माउस को ड्रैग ही करते हो। ठीक है, तो जो ड्रैग वाला फंक्शन है वो आप ड्राइंग के लिए यूज़ करते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर ले जाना होता है। जब हमें किसी चीज़ को ड्रैग करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने फोर्स से पुल या पुश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी अगर स्क्रीन में तो हम पुल और पुश तो नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रैग करते हैं। लेफ्ट ड्रैग मतलब अपने माउस पॉइंटर को उस ऑब्जेक्ट पर लेकर जाके लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और फिर उसको मूव करना है बिना रिलीज किए। जब वो अपनी पोजीशन पर आ जाए देन लीव इट, तो दैट इज ड्रैगिंग। अंडरस्टूड? सो दैट वाज माउस। माउस का आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हो हमारे कंप्यूटर लैब में, आप ड्राइंग कर चुके हो, है ना। तो माउस इज क्लियर। सो दीज आर ऑल फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सारे फोर पार्ट्स को अगर हम आईपीयू में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कीबोर्ड और माउस कौन से डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, वेरी गुड। एंड मॉनिटर आउटपुट, वेरी गुड। एंड देन सीपीयू इज प्रोसेसिंग, क्लियर। तो अब आपको आईपीयू क्लियर हो गया, देन You have understood all four main parts of computer.
So that is all in your chapter 1 that we have completed. Now we will discuss the book exercise and question answers in our next class. Okay, so today it is sufficient from my side. So I have done that work. Now it's time to you. So I'm sharing pages. So you read all the pages carefully. Understood. Try to understand the concept of all four main parts. And then we will discuss the book exercise. So that's all for the day. Stay healthy. Bye-bye. And have a nice day. Thank you.